भोपाल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 19 लोग ठीक होकर घर गए हैं। पिछले 24 घंटे में 53,556 सैंपल भी लिए गए। इस घंटे में 23 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर नए आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। पॉजिटिविटी जो 8.004% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 53,556 हमने संपूर्ण प्रदेश से सैंपल लिए। वन नेशन वन सिटीजन एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया है। चुनाव प्रक्रिया, चुनाव सुधार की प्रक्रिया में ये मील का पत्थर साबित होगा। वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना, पहले भी माननीय मोदी जी वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन फ्लैग, ये सारी चीजें मोदी जी ला चुके हैं। दो झंडे हुआ करते थे, खत्म हो गए। हम कहते थे कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलने दिए। सब कुछ एक है और इसलिए अब वन नेशन वन सिटीजन मोदी जी लाए हैं और इससे ये वन सिटीजन वन नेशन से राष्ट्र ये भावना अवधारणा मजबूत होगी। घुसपैठियों का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा देश के अंदर, और देश के अंदर अब सभी नागरिक मिलजुल कर काम करेंगे। स्थगन की बात कर रही है, सदन में स्थगन लाएंगे। स्थगन लाने से कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है वो तो दब नहीं जाएगा। ऐसा जघन्य काम किया है। लोकतंत्र के अंदर हम जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत मानते हैं। चुनाव में क्यों नहीं गए जनता की अदालत में, वहां से जीत के आते, न्यायालय में पहुंच गए और सारे के सारे परिदृश्य को बदल दिया। अब बात मांग करेंगे स्थगन की। सरकार नियम प्रक्रिया से जो भी चर्चा चाहेंगे, हर चर्चा के लिए तैयार। आज हाई कोर्ट में फिर सुनो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।